ग्रामीण किसान की समस्या को लेकर किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिवनारायण सिंह परिहार ने समस्याओं को लेकर एक चौपाल लगाई, जिसमें किसान की विभिन्न समस्याओं को सुना व बैलगाड़ी में सवार होकर केंद्र सरकार के विरोध में धमाकेदार प्रदर्शन किया और बताया कि किसान के प्रति अनदेखी की जा रही है। सरकार ने किसानों की समस्याएं जल्द से जल्द नहीं सुनी तो ग्रामीण क्षेत्र के किसान भुखमरी जैसी आपदाओं से जूझ सकते हैं। आए दिन किसान कर्ज से फांसी लगाकर आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन सरकार पर जूं ही रेंग रही। अगर समय रहते सरकार ने किसानों की समस्या का निस्तारण नहीं किया तो हम धरना प्रदर्शन चक्का जाम को बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। क्या समस्याएं थी वहां पर, किस तरह का जुलूस निकाल रहे थे आप लोग वहां पर? देखिए, जहां एक ओर पूरे भारतवर्ष का किसान आज दिल्ली में आंदोलन कर रहा है अपने खेतों को छोड़कर, आज जो केंद्र की सरकार ने कृषि विधेयक बिल लाई है, जो 3 बिल लाई है, उसके विरोध में पूरे देश का किसान आज दिल्ली में है। वहीं दूसरी ओर बुंदेलखंड के जनपद झांसी में आज एक चौपाल का आयोजन हुआ है किसान कांग्रेस के बैनर तले, जिसमें किसानों की जो पीड़ा है, जो समस्या है, उसको सुना गया है। आज पूरे बुंदेलखंड के अंदर किसानों की फसलों का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। सरकार ने कहा था, केंद्र सरकार ने कहा था कि 2022 में हम किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। बात हुई थी किसानों को MSP के आधार पे उनकी उपज का सही मूल्य देने की। आज धान का किसान जिसकी 1888 रुपए MSP है, वो किसान 1,111 रुपए में अपना धान बेच रहा है। मूंगफली का किसान जिसकी MSP 5200 है, आज वो किसान 3,500 रुपए क्विंटल में अपनी मूंगफली बेच रहा है। आज पूरे बुंदेलखंड में अन्य जानवरों के आतंक से पूरा किसान बेहाल है, किसान खून के आंसू रो रहा है। इन्हीं समस्याओं को लेकर आज हम लोगों ने पंचायत की है। आज भी एक नई समस्या खड़ी हुई है, जब किसानों ने खेतों में अपनी फसल बो दी तो पेयजल योजना के अंतर्गत किसानों के खेतों के किनारे जो पाइपलाइन डाली जा रही है, उस पाइपलाइन डालने में JCB द्वारा किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। तो कई प्रमुख मुद्दों पर आज चर्चा हुई। किसानों ने कहा कि अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है तो फिर हम रोड पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे, ये किसानों ने कहा और कांग्रेस पार्टी ने कहा। इंडियन प्राइम न्यूज से संवाददाता नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।